अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं चौली का सालन। 1/3 कप फ्रेश कोकोनट काटा है, 8 हरी मिर्चियाँ ली है, दोनों भी चीज़ें मैंने धो दी है। ऐड कर देंगे मिक्सर में। 1/2 कप हरा धनिया भी धुला हुआ ऐड करेंगे इसमें। अब इसको पानी डाल के पीस देंगे बारीक एकदम। 1/2 कप तेल गरम हो रहा है, इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून राय, 2 तेज पत्ते, 1/2 टीस्पून राय, सॉरी मैंने 1 टीस्पून जीरा ऐड किया है, 1/2 टीस्पून राय ऐड किया है अभी। राय और जीरा थोड़ा फ्राई होने देंगे, फ्लेम हाई है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। थोड़े कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे। इसमें नमक ऐड कर देंगे और प्याज को पिंक होने तक फ्राई कर लेंगे। में 1 बादियान का फूल ऐड करेंगे, प्याज पिंक हो गई है। तीन मीडियम साइज कटे हुए टमाटर इसमें ऐड करेंगे। प्याज को मैंने हाई फ्लेम पे पिंक कर लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। एक टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे। 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्ची पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। एक टीस्पून भरकर धनिया पाउडर, एक दूसरा टीस्पून भरकर धनिया पाउडर ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे। एक टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। हमारा पीसा हुआ खोपरे वाला मसाला इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे टमाटर के गलने तक। टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। टमाटर गल चुका है, मसाला भी अच्छी तरह भून चुका है। ये 1/2 किलो चौली है, छोटी चौली जो मैंने रात भर के लिए भिगो कर रखी थी, ये इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स कर देंगे। 10 मिनट तक इसको सिम पर प्रेशर कुक करने के बाद मैंने ढक्कन खोल दिया है। इसको 5 मिनट तक और स्लो फ्लेम पे पका लिया है। इसमें अब 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए सिम पर रखेंगे। ढककर
5 मिनट तक इसको सिम पे रख दिया था, अब गैस ऑफ कर दिया है, ऊपर अच्छी तरी आ गई है। हरे धनिए से गार्निश कर देंगे। चौली का सालन तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वैसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।